नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम चर्चा करेंगे आदिवासियों के लिए पारित किए गए पैसा कानून की। इस कानून को पारित कर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने की पहल की है। यह कानून पिछले 15 सालों से लंबित था, हालांकि समय की मांग को देखते हुए यह सही वक्त पर इस कानून को लागू किया जा रहा है। आदिवासी हितों का दम भरने वाली बीजेपी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए बनाए गए इस कानून के समय को लेकर विरोध में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी ने इसके पहले भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन किया और अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर आदिवासी वर्ग को लुभाने का प्रयास भी किया। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पैनल से जुड़े मेहमानों से परिचय कराऊं, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पैसा कानून के प्रारूप को हरी झंडी दे दी गई है। यह कानून अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को सशक्त करेगी। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। समुदायों से कई दौर की बात के बाद यह फैसला लिया गया। इन सबके बीच भाजपा प्रदेश सरकार पर चुनावी लाभ लेने के लिए फैसले लेने का आरोप लगा रही है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में पैसा कानून को लेकर फैसले की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 5वीं अनुसूची में शामिल इलाकों की ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए पैसा कानून बनाया गया था। राज्य में इसे लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। इसका लाभ प्रारूप बनाकर तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया। बैठक में इसे लेकर मंजूरी मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके कहा कि राज्य की जनता विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। पेशा कानून वर्षों से बना लेकिन नियम में होने की वजह से छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जा सका। 15 सालों में भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के साथ बहुत छल की। पैसा का नियम न बनाना भी था। विश्वास है कि पैसा लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और विकास के नए अवसर मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो पैसा कानून के बारे में, जो शेड्यूल 5th-6th एरिया में बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में नियम कानून तो लागू, एक्ट तो लागू है, उसके नियम बनाने का जो काफ़ी लंबे अरसे से लंबित था, आज पैसा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया, एक बहुत मानवीय पहलू का निर्णय हुआ है। इधर बीजेपी पेशा कानून नियम को चुनावी सभा के लिए लिया गया फैसला बता रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि चुनाव के लिए यह सरकार कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस सरकार की नियत नहीं है। नियत यदि होती तो इतना लंबा विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी और वह लागू कर देते तो आदिवासी समाज को इसका लाभ मिल पाता। देखिए, इस सरकार के ऊपर में भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है, जब लाना है तो मैं समझता हूँ कि अब 3.5 साल का समय निकल गए हैं। जो करना है सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बीच में पेंडुलम की तरह लटका करके रखते हैं। डिसीजन तक जो पहुंचना चाहिए डिसीजन नहीं हो पाती है और इसके कारण समाज वंचित रहता है, लाभ नहीं मिल पा रही है। ये सरकार के दुमोही नीति के कारण में। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को तो ये बताना चाहिए कि 15 साल के भाजपा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को क्यों लागू नहीं किया गया, आदिवासी वर्ग के कानूनी अधिकारों का क्यों हनन किया गया। पेशा कानून को लागू करने के बजाय रमन भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक ले आया था, जिससे आदिवासियों के जमीन पर एक कब्जा कर सके। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों और पंचायतों को अधिकार देना पेशा कानून है और इस कानून के लागू होने के बाद आदिवासियों की सहमति से सब काम होंगे। वैसे तो आदिवासी इलाकों के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों से अधिक मजबूत, अधिकार संपन्न और उनके विकास के लिए पैसा कानून लाया जा रहा है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इस चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे पैनल में। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। और प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ सरकार सर्व आदिवासी समाज से विनोद नागवंशी जी हैं, आपका भी स्वागत है। पहला रुख करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता की ओर। ये बताएं कि आखिर इतना समय क्यों लगा इस कानून को लेकर, सरकार को आए हुए अगर 3.5 साल हो गए, समय बात यही उठ रही है।
अमित जी, 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो 36 बिंदु का घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया था, उसमें हमारा वादा था पेशा कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, पहले दिन से ही जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है टी एस सिंहदेव जी, उन्होंने सैकड़ों मीटिंग ली प्रभावित क्षेत्रों में जाकर, प्रभावित पंचायतों में जाकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के, सभी जो प्रभावित हैं उनसे प्रत्यक्ष चर्चा करके जिस प्रकार से ये मसौदा तैयार किया गया है, स्वागत होना चाहिए। जो लोग 15 साल वादा खिलाफी करते रहे, जो जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करते रहे, लगातार कभी रतन जोत के नाम पर, कभी औषधि खेती के नाम पर, तो कभी लोहारी गुंडा में उद्योग लगाने के नाम पर आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करते रहे, वो आरोप लगा रहे हैं, बेहद दुखद और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे, धरमलाल कौशिक बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे साथ के राज्य है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, आज तक वहां नियम नहीं बने। तो भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय अपने गिरेबान में जाके, अमित जी, सामाजिक न्याय कांग्रेस का पहला संदेश है, पहला संकल्प है, और उसके लिए कांग्रेस पहले दिन से ही संघर्ष करती है। और ये जो पेशा कानून है, उसमें हमारे जो ट्राइब के क्षेत्र हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा के, वहां न्यूनतम 50% जो प्रतिनिधित्व है वो वहां के स्थानीय आदिवासी हैं उनको मिलेगा, और आबादी के अनुसार जो है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। निश्चित रूप से सलाह और सुझाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ यदि सलाह है नागमन सिंह जी, बेहद गंभीर और सर्वाधी समाज के, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, जो भी सलाह और सुझाव है, जो भी इसमें व्यवहारिक संशोधन की गुंजाइश होगी, उसके लिए भी सलाह आमंत्रित है। सभी का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है। कांग्रेस पहले दिन से ही खासकर आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के लिए, स्थानीय जनता के अधिकारों के लिए लड़ते रही है। भारतीय जनता सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं कि इसका नैतिक अधिकार नहीं है जी, सामाजिक न्याय की आपने बात की है। मैं सबसे पहले अब सुंदरानी जी से पूछ लेता हूं कि आखिर विरोध किस बात का है इस पूरे मसले में? देखिए, विरोध की बात अमित जी हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि आदिवासियों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। और ये अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ कर रहे हैं। 3.5 साल में इन्होंने क्या किया कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। 36 वादे इन्होंने किया, इनकी ये दिखावा करते हैं। ये इन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में यही किया, इन्होंने खुद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात की और खुद ही के एक निगम के अध्यक्ष से स्टे करवा दिया। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, ये सिर्फ जनता के बीच में काम करते हुए दिखना चाहते, काम करना नहीं चाहते, काम करते हुए दिखना एक इनकी बात है। हमारा कोई विरोध नहीं है, प्रारूप आ जाए, हम विधेयक का प्रारूप आ जाए, प्रारूप देखें हम क्या इन्होंने उसमें लाया है, क्या वे सारे कोल ब्लॉक जिनकी NOC राज्य सरकार ने दी है इस कानून के बाद, क्या वो सब निरस्त हो जाएगी, वो कोल ब्लॉक से कोयला निकलना बंद हो जाएगा, क्या होगा, क्या इनकी रणनीति है, क्या अधिकार दिए जा रहे हैं, कितने अधिकार दिए जा रहे हैं, इन सारी बातों पे जब तक पूरा प्रारूप सामने नहीं आ जाता निजी, तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। लेकिन हम हित चिंतक हैं आदिवासी समाज के, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके हितों के लिए कोई बात आएगी तो हम कभी अनावश्यक भी विरोध हम किसी चीज का नहीं करते। बिल्कुल 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 सुंदरानी जी, आपने आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस भी आदिवासी हितों की बात कर रही है। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के नेता विनोद जी है। विनोद जी, ये बताएं कि आपको ड्राफ्ट को लेके कुछ जानकारी है या जो आप लोगों ने कभी मांग की गई थी, क्या उन सभी बातों को इसमें समावेश किया गया है? अमित जी, जैसी कांग्रेस की सरकार बनी, इनके मैनिफेस्टो के अनुरूप में हमने मांग करना शुरू कर दिया और प्रथम वर्ष से ही पंचायत मंत्री के द्वारा लगातार हर ब्लॉक में जाकर, जिसमें हम लोग सहभागी बने, अपनी ओर से हमने सब ब्लॉक से एक आग्रह लेकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक ड्राफ्ट दिया। लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। इस बीच में फाइल कहाँ अटकी, जो भी अटकी, लेकिन एक खुशी तो है इस बात का कि कैबिनेट में प्रस्ताव आया। चूंकि अभी ड्राफ्ट हम पढ़े नहीं है, तो हमने जो ड्राफ्ट दिया उसमें कुछ काट छाट हुआ है कि नियमतः क्या बनाए हैं, कैबिनेट में क्या पास हुआ है, हमारे पास आ जाएगा तब जी। मुख्य रूप से आपने क्या बातें, क्या मांगे की थी, या उनको 3-4 पॉइंट आप बता सकते हैं तो?
मुख्य रूप से जो अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायत को और पेशा में जो कहा गया कि पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया और 244 एक जो अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन नियंत्रण रूढ़िजन्य परंपरा के अनुसार होगा, जिसमें परंतु कितने लगे हुए कि सामान्य जो नियम है प्रदेश के वो लागू नहीं होंगे, जो भी लागू होंगे वहां के वन संरक्षण से लेकर संसाधन के सदुपयोग और जो भी अभिभोग है वो आदिवासी और उस जगह के निवासी उनके सहायता से उनके अभिमत से हो, ये जो बात थी उसको हमने लिखा है कि ग्राम सभा को पूर्णतः पावर दिया जाए अपने गौण खनिज, अपने संसाधन, अपने वन, अपने मानव संसाधन, बाजार से लेकर सभी चीज को एक स्वामित्व स्वेत स्थिति में रखने के लिए, ताकि अपने रख सके। इस बात को समाज के द्वारा ड्राफ्ट बनाकर दिया गया है, एक साल के बाद अगर कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ तो खुशी की बात है, लेकिन संशय है जब तक ड्राफ्ट हमको नहीं मिल पाएगा। ये सुरेंद्र जी कह रहे थे कि जो भी अगर सलाह हो हम तैयार हैं, ड्राफ्ट मिलने के बाद अगर उसमें कुछ कमी होगी तो निश्चित ही आदिवासी समाज इसका बात को मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री के पास रखेंगे, और अगर कोई बात अटकती है तो इसके लिए समाज आज भी संघर्ष कर रहा है। 1996 का बना हुआ प्रस्ताव जिसके सुप्रीम कोर्ट कई बार कहे आज जारी हुआ, इस बीच में इतने संसाधन हमारे चले गए, चाहे सरकार बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो। अगर समाज के रूप में देखें तो बस्तर सरगुजा इस प्रदेश के 61% एरिया शेड्यूल्ड है जो अपने अधिकार से कहीं न कहीं वंचित रहा, जिसका खामियाजा ये सरकार कैसे भरेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह समाज लगाती है। बिल्कुल, इस बात को सुनें जी, ये आपको साफ करना पड़ेगा कि आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा। जमीन जंगल की बात यदि करते हैं, उनको अधिकारों की बात करते हैं, तो किस तरह से समावेश किया जाएगा, अधिकार भी मिले, विकास भी हो, आखिर कैसे, किस तरह का ड्राफ्ट है, कुछ इसमें बता पाएंगे? अमित जी, लगातार देखिए ड्राफ्ट के संदर्भ में चर्चा करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। कैबिनेट में रखाया है, विधानसभा के पटल भी रखाया पर भी रखाएगा, साले सलाह सुझाव संशोधन की जो प्रक्रिया है वो तय प्रक्रिया है। मैं मूल बात नीति और नियत की करना चाहूंगा अमित जी। पिछले 3 साल में जो भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल रहा, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, और उसके पहले 15 साल रमन सिंह के कुशासन में जो होता था, बस्तर नागवंशी जी इस बात के गवाह हैं कि 15 साल बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह रहते हुए स्वयं बैठे थे। भूपेश बघेल सरकार ने आते ही पहला काम यह किया कि स्थानीय आदिवासियों को बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान, सरगुजा विकास प्राधिकरण की कमान, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कमान, ताकि स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय जनता की सहभागिता शासन में प्रत्यक्ष रूप से हो, अपने भले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कानून और नियम बनाने, योजनाएं बनाने का अधिकार जो है स्थानीय जनता को देने का काम यदि किसी ने किया है छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल सरकार ने किया है। अभी सुंदरानी जी जो पूर्व विधायक हैं, ये कह रहे थे कि कोल खनन का क्या होगा। मैं आपके माध्यम से अमित जी बताना चाहूंगा, मोदी सरकार देश की पहली सरकार है और इनके खनन मंत्री रायपुर में आके ये कहते हैं कि जो कोल खनन एरिया है वहां पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान जो संविधान का भाग है वो लागू नहीं होते। 2014 के बाद पहली बार देश के भीतर कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी गई अपने पूंजीपति मित्रों को उपकृत करने के लिए, और उसमें तमाम आपको याद होगा सरगुजा के लोग जो स्थानीय आदिवासी हैं रायपुर तक पदयात्रा करके आए थे, वो मोदी सरकार के गलत फैसले के खिलाफ लगातार ये कमर्शियल माइनिंग का की अनुमति देके एनएमडीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के दर्जनों खदानों को कोविड के समय में बिना राज्य सरकार के एनओसी के, और 3000 से ज्यादा आपत्तियां ग्राम सभाओं की थी, सभी को दरकिनार करके। तो इनकी तो नीति नहीं है, इनकी नियत नहीं है देने की। ये जब सरकार में होते, वर्तमान सरकार में अमित जी 4,41,000 से अधिक वन भूमि पट्टे जारी किए गए हैं, 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक पट्टा जारी किया गया है, तो जल जंगल जमीन में पहले। और इनके समय में एक बात और आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा, देवगुढ़ी जो परंपरा से संबंधित है उसको कुचलने का काम रमन सरकार करते रही। वर्तमान में देवगुड़ी और जो घोटुल जो है उसका भी सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। तो प्रदेश के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में स्थानीय जनता, स्थानीय नेता और स्थानीय निवासियों की सहभागिता, और पेशा कानून के बाद तो यह तय हो जाएगा कि जो भी योजनाएं बनेंगी उसकी शुरुआत ग्राम सभा से होनी है। वहां के रहने वाले लोग जो चाहेंगे,
जो वही लागू होगा। जी 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 अमित जी, इस मसले पे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 सालों में रमन सिंह सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, और जितने भी जो बस्तर प्राधिकरण बने थे या सरगुजा प्राधिकरण बने थे उसको भी मर्ज कर दिया गया, फिर बदल दिया गया, तो आखिर ये स्थिति ऐसी बनी क्यों? दूध देने वाली जर्सी गाय देने का वादा किया गया था प्रत्येक आदिवासी परिवार को, प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी सरकारी देने का वादा किया था। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी एक मिनट। हाँ, मैं तो इनके बीच में बोला नहीं, ये तो मैं एक रटा रटाया इनका बयान है। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 15 साल में जितना छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा, अमित जी पूरा देश जानता है छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। कांग्रेस 55 साल देश में राज, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा। आज छत्तीसगढ़ का अगर विकास हुआ, छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, या बस्तर और सरगुजा में विकास हुआ, सड़कों सड़कें बनी, सड़कों का जाल बिछाया गया, वन और जंगलों की रक्षा के जिस कदम उठाए गए, वनवासियों को तेंदुपत्ता तोड़कों को बोनस दिया गया, और भी बहुत सारी सुविधाएं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया। ये सिर्फ घोषणा भी है, 36 वादे इन्होंने में कितने वादे पूरे किए? 2-5 वादे ही गिना पाएंगे, जिसको वो भी इन्होंने आंशिक रूप से किया है। और आज अगर ये कह रहे हैं कि पैसा कानून ला रहे हैं, ऐसा कैबिनेट में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितों की चिंता करती, पंचायतों को अधिकार मिले, कितने अधिकार ये दे रहे हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। आज अगर हम बिना पढ़े, बिना उस विधेयक की कॉपी मिले, हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं? ये सिर्फ लोग लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन काम करने की इनकी इच्छा शक्ति है नहीं, नियत साफ नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि भूपेश है, भरोसा है, क्या इससे समाधान हो जाएगा? इनके इस नारे से क्या लोगों का पेट भरेगा? नियत साफ की बात करते हैं, नियत साफ इनकी है नहीं। किस मामले में इनकी नियत साफ है? इन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर इस प्रदेश के हर व्यक्ति को कर्जदार बना, और अगर इन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा की तो क्यों सर्व आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा, संघर्ष कर रहा और अपनी बात को रख रहा? आज भी अगर इन विधेयक की कॉपी मिल जाती तो निश्चित रूप से हमारे भाई आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के जो बैठे हमारे साथ, तो निश्चित रूप से वो भी इस बात पे कहते, मैं भी कहता, और भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती। हमारा बिल्कुल इस बात पे समर्थन है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, वनों की रक्षा की जानी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी 3.5 साल बाद सरकार में जागी है और पैसा कानून लाने की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, कानून की प्रति हमको मिल जाएगी, विधेयक की प्रति मिल जाएगी, हम निश्चित रूप से इस पर चर्चा करेंगे। वैसे अगर बिल्कुल खामियां होगी तो आलोचना करेंगे, हम संघर्ष। सुंदरानी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कॉपी मिल जाए। लेकिन एक सवाल जो विशेषज्ञों से बात हुई थी विनोद जी और भी लोगों से, तो सबसे बड़ी इस पूरे मसले पे बात यह है, चाहे 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट के निकल गए, 3.5 साल ये निकल गए, लेकिन इच्छा शक्ति यदि है, नौकरशाही इच्छा शक्ति होना भी जरूरी है, क्योंकि उस कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है, किस बात को लेकर आपका क्या कहना है? इसमें 3 साल की और कांग्रेस की सरकार भी रही है 2000 से 2003 तक। जी जी विनोद जी सुन लीजिए, सुंदरानी जी सुन लीजिए, इसके लिए निश्चित ही हमने कहा कि कैबिनेट में अगर प्रस्ताव पहल हुआ है तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर बाकी बात की बात करूं तो चाहे बीजेपी की सरकार लगातार समाज आंदोलन करते रही, सरकार पलट गई, आज भी हम 19 जुलाई से लगातार धरना प्रदर्शन चक्का जाम महाबंद, 15 मार्च को विधानसभा घेराव तक किए, जिसमें हमने अल्टीमेटम ने चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब कहा कि चूंकि आप सरकार आप चलाते, प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, हम आपसे बैठ के बात करेंगे। लेकिन आज तक प्रदेश के इतने जिलों में आंदोलन होने के बाद भी कोई विधिवत बैठक नहीं हो पाई। एक पहला जो मैनिफेस्टो है पैसा, हम उसमें भी खुशी हैं कि चलो पहल तो किए, हालांकि विधेयक बन के भी हाथ में आए नहीं है, उसमें क्या खामी है क्या नहीं है। लेकिन और जो बातें हैं, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा प्राधिकरण, लेकिन सबसे बड़ी बात इस प्रदेश का नियंत्रण करने वाले शेड्यूल एरिया ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष, हम बीजेपी के समय भी लड़ते रहे कि ट्राइबल होना चाहिए, कांग्रेस सरकार में भी लड़ रहे कि ट्राइबल होना चाहिए, आज तक उसका कार्यालय नहीं बना
जहां हम अपने उतने बड़े क्षेत्र में अगर कुछ प्रशासनिक कुछ त्रुटियां होती या कुछ मांग रखना चाहें तो नहीं कर पाते। हमारे पास आज सरकार में 32 विधायक है, लेकिन अफसोस हमारे अपने आदमी होने के बाद भी क्या उनको मजबूरी है कि विधानसभा में गरज के बोल नहीं पाते। आज समाज के हर वो तबका, हर ब्लॉक में आंदोलन चल रहा है, कभी आरोप लगता है स्वार्थ, लेकिन सिलगेर जैसे मामले, प्रताड़ना, हत्या, ऐसे बहुत सारे मामले, जमीन के मामले, जंगल के मामले, और आदिवासी समाज का मूलतः जब भी आप देखेंगे हमारी मांग जो थी संवैधानिक मांग को होता है। हम कोई नया चीज कभी नहीं मांगते, हम रोड नहीं मांगते, हम भवन नहीं मांगते, हमारी पूरी मांगे संवैधानिक होता है, संविधान प्रदत्त होता है, जो घोषित है प्रदेश में, देश के सरकार में, उसके लिए मांग करते हैं। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आदिवासियों के साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार हो रहा है, नहीं तो ये शांत समाज आज तक देश में कहा जाता है कि पिछड़ा है, पिछड़ा है। आजादी के 75 साल में ऐसे कौन सी योजना बनी कि आदिवासी समाज आज भी पिछड़ा दिखता है, गरीब दिखता है, इनके लिए विकास की योजनाएं बनती है? जबकि अमित जी मैं बता दूं, लोहा, कोयला, चाहे जितना टीन, आयरन या जितने संसाधन कहीं, नदियां कहिए, सभी का उद्गम या सोर्स या वन आज भी शेड्यूल या ट्राइबल एरिया सुरक्षित है, जहां मालिकाना हक देश की आजादी के पहले से भी हमारे पास था। इस पे भी चिंतन होना चाहिए पार्टीगत नीतियों से ऊपर उठकर कि इस मूल समाज का विकास कैसे करें ताकि देश में शांति के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षित बचा रहे। बिल्कुल ठीक है विनोद जी, आपने कहा कि किस तरह से आदिवासी समाज का उत्थान हो सके, बहुत सारी बेसिक बातें, बहुत सारे बेसिक सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं सुरेन जी, उसके क्या जवाब हो सकते हैं आपके पास? जी अमित जी, निश्चित रूप से नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनके समय में जिस प्रकार से तैयारी की, जीएसटी लादा जाता है, वैसा कांग्रेस में नियम नहीं। सुन लीजिए सुंदरानी जी, पेशा कानून के लिए माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी ने लगातार 3 साल प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जनता से बैठक की, चर्चा की, और उसके बाद में ये ड्राफ्ट आया है। और ये प्रकृति पूजक आदिवासी समाज के भाइयों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि ये कैबिनेट में रख दिया गया और ये शीघ्र लागू भी हो जाएगा। ये बात कर रहे थे सुंदरानी जी तेंदू पत्ते की, 2500 रुपए में खरीदते थे, 4000 आज उसका दाम है, 600 गुना वनोपज का संग्रहण बढ़ा है, 6 वनोपज से बढ़ाकर 71। सुन लीजिए जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि 15 साल आदिवासियों के सीने में यह रमन सरकार में गोली चलाते रहे, सारकेगुड़ा, एडा समेटा, पेद्दा गेलूर में भोले भाले आदिवासियों को मार के नक्सली बताते रहे, हजारों मामलों में कार्रवाई हुई है और निर्दोष जो थे आदिवासी उनको रिहा किया गया है। लगातार पहले दिन से ही ये 15 साल के कुशासन में बस्तर को कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और पूरे प्रदेश को नक्सल के नाम पर ये बदनाम करके रखे थे। सुदूर दक्षिण बस्तर के 2 लाख से खाद पानी देकर नक्सलवाद को 14 जिलों तक प्रसारित करने वाले भाजपा किस मुंह से आरोप लगाते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासी, यही कारण है कि बस्तर और सरगुजा में आज इनका सुपड़ा साफ हो गया। जितने उपचुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया है। बिल्कुल सुरेन जी, एक मिनट, एक मिनट बने रहना चाहते हैं सुंदरानी जी, अब क्या तैयारी आपकी पार्टी की रहेगी जो अगले विधानसभा में पूरा ड्राफ्ट आने वाला है, क्या तैयारी अब इस पूरे मसले की? नहीं, देखेंगे, हम पूरे ड्राफ्ट को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, अगर आदिवासियों के हितों की बात होगी तो निश्चित रूप से हम आगे आके समर्थन करेंगे, लेकिन ये आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में कभी भी 15 साल पेशा कानून के लिए नियम बनाने के लिए क्या की ये बता दीजिए। बिल्कुल नियत रमन सरकार में क्या कार्रवाई हुआ, कोई मीटिंग हुई, किसी से चर्चा की है, कोई ड्राफ्ट बना? तो जब सरकार में होते हैं तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आती? रक्षा होगी तो हम सरकार के साथ खड़े, कोई दिक्कत नहीं, अगर आदिवासियों के हितों की बात होगी तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन जी, श्रीचंद जी और विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में, नमस्कार।